नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपके अपने शुभचिंतक। आप आए मेरे चैनल पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रही हूं आज बेटों के विषय में। मल मास में बेटे क्या करें, क्योंकि हमेशा बेटियों के लिए वीडियो बनाती हूं तो बहुत सारी बहिनाओं की फरमाइश थी हमारे पास कि बेटों के लिए भी आप कुछ बताइए, तो आज बेटों के लिए ही कुछ बताने जा रही हूँ। तो मल मास में बेटे भी कुछ उपाय करें, वो भी जब मल मास समाप्त होएगा तो उनके भी घोड़ी पर चढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा योग बनेंगे। इसलिए बेटों के लिए आज वीडियो बना रही हूँ कि बेटे इस मल मास में क्या उपाय करें। हमारे लिए तो बेटे भी वैसे हैं और बेटियाँ भी वैसी हैं, हमारे लिए सब समान हैं। इसलिए बेटों को आज बताऊँगी कि मल मास में आपको क्या उपाय करने चाहिए कि आपके शीघ्र से शीघ्र शादी के योग बन जाएँ और आप बहुत जल्द शहनाई आपके यहाँ गूंजे और बहुत जल्द आप घोड़ी पर बैठें। यह सभी माता पिता के लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका होता है, बहुत ही खुशी का मौका होता है। तो आज मैं बेटों को बता रही हूँ कि एक तो आप मल मास में एक काम करें कि रोज़ किसी एक धार्मिक स्थान को चूज कर लें, नज़दीक हो आपके घर के पास तो बहुत अच्छी बात है, आप पैदल भी जा सकते हैं, और अगर आपको लगे कि दूर है तो आप बाइक वगैरह पर भी जा सकते हैं। तो आप एक तो जाना शुरू करें किसी धर्म स्थान पर, डेली एक परिक्रमा लगा के आएँ, रोज़ जाके आएँ, रोज़ नमस्कार करके आएँ भगवान को। अगर वो मंदिर किसी भी देवी देवता का हो सकता है, लेकिन अगर वो विष्णु भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ का मंदिर है, तो बहुत ही सोने में सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक तो ये काम पकड़ लें, ये काम जरूर करके आएँ। एक आप हर बृहस्पतिवार को विष्णु जी के यहाँ मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में सफ़ेद या पीली मिठाई का भोग लगाएं। रोज़ आप लगाएं तो आपकी श्रद्धा है, लेकिन हर बृहस्पतिवार को आप जरूर भोग लगाएं, या तो पीली मिठाई हो या सफ़ेद मिठाई हो, आप भोग लगा सकते हैं। एक आप बृहस्पतिवार को या फिर शुक्रवार को, बस दो ही बार हैं आपके लिए कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार, क्योंकि आपकी भी शादी का मामला है ना, तो आप सात कन्याओं को खीर का भोजन करवाइए, उनको खीर का भोजन करवाइए। मतलब वो सात बच्चियां छोटी छोटी हों, 7 साल से लेकर और 4 साल 5 साल तक की, उनको खीर का भोजन करवाओ आप। कितनी बार करवाएंगे आप मल मास में, आपकी श्रद्धा हो उतनी बार करवाइए। एक बृहस्पतिवार करवाइए, दो करवाइए, तीन करवाइए, चार करवाइए। बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को आप खीर का भोजन सात कन्याओं को, छोटी छोटी को जरूर करवाएं। और इसके साथ ही आप एक काम और पकड़ें कि भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़ें। माने सुने तो क्या कि आप सब पढ़े लिखे बच्चे हैं तो पढ़ें आप, बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, और एक छोटी सी बुक आती है भगवान सत्यनारायण की कथा की, उसको आप ले आएँ। और मैं ये समझती हूँ आपके शायद घर में भी हो सकती है, होगी, तो आप वहाँ से लेके वो सत्यनारायण भगवान की कथा आप बृहस्पतिवार को पढ़ें, आप रोज़ पढ़ें, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपकी श्रद्धा भावना होनी चाहिए। एक ये काम आप रोज़ कर लें। और एक काम आप और करें कि एक जो डेली का काम है आपके लिए, वो ये तो डेली करना पड़ेगा आपको, अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेली ऐसे करें कि 108 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ये आप 108 बार लिखेंगे। कोई एक लगा लीजिए रोज़ डेली, एक एक छोटी सी कॉपी लगा लें या नोटबुक लगा लें, उसमें रोज़ डेली 108 बार गिन के आप डेली लिखें। ये तीन चार काम हैं जिनको आप जरूर करें, आपको जरूर विष्णु भगवान की कृपा आप पर होगी मल मास, क्योंकि चूँकि विष्णु भगवान का बहुत महत्व रखता है, इसलिए आपको भी घोड़ी पर चढ़ना है ना, तो ज़रूर करिए। ये मैं मेरे बेटों से कह रही हूँ कि अगर घोड़ी पर चढ़ना है तो ज़रूर इस उपाय को करें और शीघ्र शादी के बंधन में बंधे। बहुत अच्छी सी पत्नी मिलेगी आपको, परफेक्ट, जो आप अफोर्ड करते हैं वैसी आपकी मनपसंद की पत्नी मिलेगी आपको, और ज़रूर करें ये। और अगर आप इस वीडियो को उन बेटों को भी शेयर करते हैं जो मेरे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।